नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एच वी क्रिएशन। तो ये पार्सल मुझे छत्तीसगढ़ से चंदन बेरा ने भेजा है खुद का DIY स्पीकर बनाने के लिए। मैं फटाफट से पार्सल खोल देता हूँ। उन्होंने कुछ सामान कलेक्ट किया था जो कि मुझे भेजा है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ खोल के। तो उनके पास जो भी स्पीकर्स वगैरह थे वो उन्होंने मुझे सेंड कर दिए हैं। अभी मैं देख लेता हूँ उन्होंने मुझे क्या क्या सेंड किया है। दोस्तों आपको ये बात मैं बता दूं कि यार इस तरह से मैं ऑर्डर पे अगर आप मुझसे बनवाना चाहते हैं, आप मुझे इस तरह सामान भेजते हैं तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं रहती है,
क्योंकि आपका पार्सल डिलीवर करते टाइम कोई भी कुरियर वाले गड़बड़ करते हैं, स्पीकर डैमेज होता है या कोई भी सामान डैमेज होता है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है, ये मैंने उन्हें पहले ही बता दिया था। और उन्होंने ये सारा सामान खुद कलेक्ट किया है और अपने जिम्मेदारी पे मुझे सेंड किया है कि अगर कोई भी इशू होता है तो वो उन्हों के ऊपर है। 12 वोल्ट 10 एम्पीयर की इसमें एक पावर सप्लाई है, साथ ही में 2 ट्वीटर है, 2 क्रॉस ओवर है, एक एम्पलीफायर और ब्लूटूथ। बस यही है क्या दोस्तों, स्पीकर हमेशा डैमेज हो जाते हैं कोरियर के टाइम पे। इसकी स्पाइडर अटक चुकी है, बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो अभी ये पार्सल में ये सारा सामान मुझे मिला है, अभी इस स्पीकर का देखना पड़ेगा यार क्या हुआ है इसको। सारा सामान अभी चेक भी कर लेते पावर सप्लाई वगैरह सही है कि नहीं है। तो ये जो स्पीकर है कोरियर में डैमेज हो गया था, जिसकी कॉइल है वो खरखर कर रही थी क्योंकि ये टच हो रही थी, तो मैंने इसे रिपेयर किया, रिपेयर करने में डैमेज भी हो गया और साथ ही में अभी ये टूटा हुआ था। तो कोरियर में ऐसी समस्या होती है, हमेशा पार्सल वगैरह टूट जाते हैं, गड़बड़ हो जाती है, तो पैकिंग वगैरह बहुत अच्छे से करनी पड़ती है। अभी क्या हो रहा है कि ये जो स्पीकर से जब ये चल रहे हैं तो ये हमारे ट्विटर से यहाँ पे टच हो रहे हैं, ये जो हमारे ट्विटर है इसके यहाँ पे टच हो रहे हैं और साथ ही में इस वाले एरिया पे भी हमारे स्पीकर टच हो रहे हैं, खड़खड़ किसी आवाज आ रही है। तो उस चीज का सॉल्व करने के लिए मैंने कि ये फ्रेम बनाया, तो अभी मैं इस फ्रेम पे क्या करूंगा यहाँ पे एड कर दूंगा।
7 3 3 3 3